आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस, देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो आर टेन एक्स, मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड कि कभी भी अगर आर्क होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो आर्क टेन एक्स है ये एक्चुअली में है क्या, टेन इनवर्स एक्स। तो ये वाली बात मोस्ट ऑफ यू नो इट, इन केस देयर इज एनी कंफ्यूजन दैट शुड बी क्लियर्ड एट दिस पॉइंट। तो ये जो इंटीग्रेशन है, एक बात तो श्योर है हमारे पास कि इसमें दो फंक्शन हैं, तो मैं सर्टेनली इसमें बाई पार्ट लगाने जा रहा हूँ, राइट। अब या तो मैं tan इनवर्स x को कुछ एज्यूम करके स्टार्ट करूँ, या फिर मैं डायरेक्टली इसमें बाई पार्ट लगाना शुरू करूँ। अब कौन सी चीज़ ईजिली इंटीग्रेबल नहीं है, सर्टेनली मेरे पास जो tan इनवर्स x है वो ईजिली इंटीग्रेबल नहीं है। क्योंकि ये ईजिली इंटीग्रेबल नहीं है तो मैं इसको ही यू लूँगा, राइट, मैं इसको ही यू लूँगा। तो मैं बाई पार्ट में इसको यू ले रहा हूँ और इसे भी ले रहा हूँ, ठीक है। आई होप दैट इज ओके विद ऑल ऑफ वन ऑल ऑफ यू। अब देखिए यू वी डी एक्स, आई एम श्योर यू नो दिस, सो आई बी स्ट्रेट अवे अप्लाइंग इट। मैं यू राइट वी डी एक्स दैट इज एक्स क्यूब डी एक्स प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज आई कैन सी सम स्टूडेंट्स जो ऑलमोस्ट चार पाँच दिन के गैप के बाद आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्पेशली आपके लिए ही मैं इसको स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। वट एवर इज द रिजल्ट देन एंटायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। सो दैट इज बाई पार्ट्स अगेन। जिन लोगों ने, मैंने हालांकि वीडियो भी, देखो मैं जितना ख्याल रख सकता हूँ उतना ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, बट उसके बाद भी अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो तो नो वन कैन हेल्प यू आउट, राइट। इफ इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन बाई यू, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। हिंदी में एक कहावत होती है अपने हाथ जगन्नाथ, मतलब ठीक है ना, मतलब अपने हाथ में ही आपके पास सब कुछ है। वट एवर हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन विद यू, फ्रॉम यू, बाई यू, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें, मेरे से कुछ और उम्मीद रखते हो मुझे बताया करो, है ना। बट मैं अपने इनसे कोशिश करता हूँ कि चलो कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके लिए अवेलेबल कर देता हूँ पहले से। तो दैट वे ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी एक्स रेज टू द पावर 4 ओवर 4 टेन इनवर्स एक्स। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग, इट इज़ अबाउट सॉल्विंग बाय द बेस्ट पॉसिबल और द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड। ये चीज़ हो जाएगी एक्स रेज पावर 4 ओवर 4 और टेन इनवर्स एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज़ वॉट वी आर गेटिंग एट दिस स्टेज। इसके बाद सर ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ना एक माइनस 1 करूँगा और एक प्लस 1 करूँगा, ठीक है। एक माइनस 1 कर रहा हूँ और एक प्लस 1 कर रहा हूँ, तो देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। ये वाली चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। नाउ दिस इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन, वी नीड टू कैरी इट फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं माइनस 1 बाई 4 कॉमन ले रहा हूँ। देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना भाई, ये एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 है, नीचे मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साथ में मेरे पास 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेरे पास इंटीग्रेशन में, ठीक है, डी एक्स लिखना मैंडेटरी है, वी मस्ट राइट इट डाउन। अगर ये स्टेप तुम्हें समझ में आ गया तो जस्ट शो मी योर हैंड्स अप क्विकली, ज़रा सा हाथ ऊपर करके बताओ, जस्ट रेज योर हैंड फास्टर इफ यू अंडरस्टैंड दैट स्टेप। बिकॉज सी दीज सिंपल स्टेप्स हेल्प यू रिड्यूस द कैलकुलेशन रिमार्केबली, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए एक बार जब ये बात समझ में आ गई तो आपको शायद ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये जो x की पावर 4 है इसको मैं फर्दर कैसे लिखने जा रहा हूँ। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होने जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। मैंने यहाँ पे इसलिए दिखा दिया ताकि नीचे मैं इस स्टेप को डायरेक्टली कर दूंगा, ओके। तो देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 टेन इनवर्स एक्स ओवर 4 माइनस 1 बाई 4 तुम्हारे पास कंप्लीट कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एंड लुक एट द अदर पार्ट, दैट इज ऑलरेडी इंटीग्रेबल। डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑलरेडी इंटीग्रेबल। सो हाउ वुड यू राइट द फाइनल आंसर चिल्ड्रेन, इट शुड बी एक्स रेज टू द पावर 4 tan इनवर्स x ओवर 4, एंड इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, x cube by 3, तो माइनस साइन के साथ
एक्स क्यूब बाई 12 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, ये 1/4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। यहाँ मुझे मिलेगा माइनस एक्स, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास प्लस एक्स बाई 4, ये आएगा मेरे पास टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस टैन इनवर्स एक्स ओवर 4 प्लस 3। सो दैट इज हाउ वी शुड लीव दी फाइनल आंसर। थोड़ा बहुत चाहो तो और इसमें कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अदरवाइज भी अगर आप ऐसे भी रहने देते हो तो नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट द मार्क्स। इफ इट इज ओके जस्ट टाइप ओके, इफ एनी वन वॉन्ट मी टू रिपीट टाइप आर, डू इट फास्ट, प्लीज डू इट फास्ट। सो कमिंग हेयर, दिस इज ई रेस पार एक्स, अगेन दिस इज समथिंग विच शुड बी वेरी क्लियर बेटा ध्रुव, ई रेस टू द पार एक्स अगर तुम्हें दिख रहा है तो कुछ ऐसा फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में आना चाहिए, राइट। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ कुछ तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो चलो लेट अस ट्राई एंड क्रिएट दिस, लेट्स सी, देखते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स से मैं इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन आई है मेरे पास ये कुछ कैसा हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स, साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट दैट इज कॉट एक्स, और 1/sin²x तो कोई टेंशन ही नहीं है, कितना होता है cosec²x। डोंट यू थिंक यू हैव डन द वर्क, इफ यू सी दैट दिस इज fx, देन दिस सर्टेनली इज f'x, दिस सर्टेनली इज व्हाट f'x, एंड व्हाट इज द आउटपुट चिल्ड्रन, इट इज e रेज टू द पावर x cot ऑफ x प्लस c, ठीक है, अपॉन में कुछ भी नहीं आना है। सो दैट वाज वेरी इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कैन यू प्लीज क्विकली रेज योर हैंड, especially the one who has asked that. समझ में आ गया? ठीक है, good, शाबाश। Moving on to the next question, without any delay. If there is any doubt, please use the mic or the chat box. ठीक है, don't hesitate. मैं थोड़ा सा fast इसलिए move कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी classes कर रखी हैं, और अगर आप regular रहे हैं तो I'm pretty sure कि आपका confidence और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपका pace certainly बढ़ चुका है, ठीक है। So coming to this level, right, coming to this, the third doubt, this was the only doubt that was given to me, only three doubts were there. तो दिस इज द थर्ड वन। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब देखो ये वाली चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर ये tan y होता और ये sec square y होता तब तो ये बढ़िया सा होता, क्या ये बनता मेरे पास f ऑफ y और ये बनता f डैश y, ये वाली चीज तो यहां से दिख रही है ना, दिस थिंग इज सर्टेनली क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सो व्हाट इज द पॉइंट, द पॉइंट सर्टेनली इज दैट यू टेक दिस log x इज इक्वल टू y, right? So you are going to start this question where log of x is equal to y, and I'm pretty sure you know that the base of the log is what, e, it has to be a natural log. So now that you know this, ab tumhe x ke bare mein kya kahoge bhai, x ke bare mein tum kahoge it is e raised to the power y, ye wali baat to maine shayad kal bhi batayi thi, hai na, ye property kai baar tumne kar rakhi hai, agar nahi kiya to bhai likh lo, write it down, theek hai। अब जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, देखो बड़े आसानी से, अब सबसे पहले तो dx का देखना पड़ेगा, तो मैं dx ओवर dy को चेक करता हूँ, dx ओवर dy कितना आ गया बच्चे, e रेस टू दी पार वाई, दैट मीन्स dx को मैं किससे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, e रेस पार dy। ये जो i है बेटा, ये i अब क्या बन गया, देखो ये तुम्हारे पास tan ऑफ y sec स्क्वायर y आ गया जो तुम्हें चाहिए था, मज़ा ही आ गया ना, tan ऑफ y एंड sec स्क्वायर y, और क्या चाहिए हमें, हमें मालूम है कि ये वाली चीज़ तब एप्लीकेबल होती है जब यहाँ पे e रेस पर y भी है, तो मज़ा आ गया था यार। ये देखो dx की जगह पे तुमने क्या रखा, e रेस टू दी पार y इंटू डी वाई, एंड द वर्क इज डन, व्हाट इज द आंसर, e रेस टू दी पार y tan ऑफ y प्लस c, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज y, y इज log ऑफ x टू द बेस e, एंड व्हाट इज e रेस पर वाई को क्या लिख लोगे, x लिख लोगे, यानी फाइनल आंसर जो तुम्हें लिखना चाहिए, e रेस पर वाई की जगह पे x रखोगे और y की जगह पे क्या रखोगे, log of x, सो दैट शुड बी लेफ्ट एज द फाइनल आंसर। आई होप इट इज ओके, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, एल्स जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, टू बी ऑन अ फास्टर नोट, जस्ट रेज योर हैंड टू सिग्नल दैट यस इट इज फाइन, दैट्स ओके, वंडरफुल, प्रोसीडिंग अहेड, let's move ahead, right, I've not received any message in the chat box, so I believe it's okay, you can use the chat box, you can use the mic, that is up to you, I don't mind, even if you use the mic, even if it comes in the recording, I don't mind. Now coming to a very very important aspect that we have done in the previous 2 days, right, in fact previous almost 7 days,
7 दिन से हम इसी इन्हीं सबको मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये इंटीग्रेशन का एंड ऑफ इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे लगता है इन सब में आप कंफर्टेबल हैं, राइट, सम इंटीग्रल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इसका रेसिप्रोकल हमने कल शुरू किया था कि अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी। तो इसके रेसिप्रोकल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेकेंड में भी कोई टेंशन नहीं है, थर्ड में भी कोई टेंशन नहीं है, राइट। जब ये ऊपर जाता है और ये अंडर रूट के अंदर होता है तो टेंशन होती है ना, तो थोड़ी सी टेंशन होती है, तो कोई बात नहीं, हमने उसको भी कल रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, राइट। आई होप कि मैंने इसमें से एक जो है आपके लिए प्रूव कर दिया था, और मैंने कहा था कि सेकेंड और थर्ड ट्राई करना। पूरी ईमानदारी से बताओ, आई डिड, ज़रा लिख के बताओ, जिसने भी सेकेंड और थर्ड अपने लेवल पे प्रूव किया वो ज़रा आई डिड लिख के बताएंगे मुझे, जस्ट टाइप आई डिड। I did those three. Good. Be honest, right? Two times. Wonderful. I'm glad. As you did two times, you should expect your marks anywhere, somewhere, you know, two marks ahead of 95. कम से कम इतना तो नहीं चाहिए, राइट। मैंने एक बार कहा, तुमने दो बार किया, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। नाम नहीं लूंगा कि तुमने मुझे प्राइवेटली भेजा, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ओके। सो जस्ट टू पीपल, दिस इज नॉट गुड, नॉट डन चिल्ड्रेन, नॉट डन। देखो बेटा, मैं रोज तुम्हें थोड़ा, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं, चलिए। फर्स्ट वॉज डन इन द प्रीवियस वीडियो, आई एल डू द थर्ड वन, राइट, आई लीव द सेकेंड वन फॉर यू। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि फर्स्ट हमने किया था, और थर्ड अभी मैं करने जा रहा हूँ। सेकेंड एक, तुम एक टास्क कम से कम इतना तो कर लेना भाई, ठीक है। और देखो कैसे इसे हमें प्रूव करना है, आइए इसको देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अब इसको डायरेक्टली तो हम लोग इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसके यहाँ पे हम बाईपार्ट की यूज़ दे सकते हैं। मैंने क्या बोला था, वन से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, वन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम वन से मल्टीप्लाई करते हो, अब किसको यू लोगे और किसको वी लोगे, ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ मेरे पास इंटीग्रेबल नहीं है उसको ही मैं क्या लूँगा, यू लूँगा। और वन को वी लेने में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वन को तो यू ले लो या वी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसमें बाईपार्ट अप्लाई करना शुरू किया। आइए देखते हैं मेरे पास क्या बन रहा है। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। अप्लाइंग बाई पार्ट्स, राइट, मैंने वी वन लिया है और ये लिया है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, वन की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, एक्स यू एज इट इज़ आ जाएगा, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस साइन के साथ। अभी क्या करने वाला हूँ मैं, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा बेटा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और चेन रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स, एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वन, दैट विल अगेन गेट वन एक्स एक्स्ट्रा, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो दैट इज वॉट यू रीच हेयर, अब तुम यहाँ तक पहुँच गए। इस टू को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया। देखिए मैंने हमेशा तुम्हें बताया, एक्सप्रेशन को सही तरीके से एक्सप्रेस करने की हैबिट रखो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन के साथ ये जो एक्सप्रेशन बना है मेरे पास, दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था, यहाँ से इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आप इसको I1 ले लेंगे, और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर वन, एंड देन यू विल इवैल्यूएट I1, एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर वन, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन द आंसर शीट, ओके। लेट्स सी व्हाट इज I1, आइए I1 को चेक करते हैं। I1 में सबसे पहले तो मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, और नीचे मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, और एक मैं ए स्क्वायर ऐड करने जा रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर आपको कोई परेशानी इससे नहीं होनी चाहिए, यू नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट मी इन डूइंग दिस, राइट, यस यू कैन टेल मी, हाँ सर वी आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट यू, यू कैन टेल मी दैट। तो देखो ये चीज़ कितनी आ गई भाई, ये आई वन का ये वाला पार्ट अगर तुम देखो तो ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और जो दूसरा पार्ट रह गया बच्चों, ये क्या रह गया, ये रह गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ वही छः में से एक फॉर्म है, और ये क्या बच गया बेटा, दिस इज नथिंग बट आई, ध्यान से देखो, दिस इज एग्जैक्टली वॉट, दिस वॉज आई, ठीक है,
और ये कितना हो गया, ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितनी होती है बच्चों, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू, प्लस की तुम चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे आप वैल्यू प्लग इन करेंगे, ये माइनस साइन है ध्यान रखो, तो ये कि दोनों जो आपके पास टर्म्स आएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस आई जब यहाँ पे आएगा तो ये इधर लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी टू टाइम्स आई, और राइट साइड पे आपके पास कितना रह गया, अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ दिस वैल्यू, यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस टू को उठा करके तुम इधर लेके आओगे, बिकॉज तुम्हें टू आई नहीं चाहिए, तुम्हें आई चाहिए, एंड दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन प्रूव्ड। जितने लोगों को समझ में आ गया और वो मुझे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ वो ज़रूर से आज की क्लास के बाद इन तीनों को खुद से करके देखने वाले हैं, वो सिर्फ आई पी टाइप करेंगे, और जो प्रॉमिस नहीं करते हैं उन्हें कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। दोज हू प्रॉमिस कि हाँ सर आज ज़रूर से इन तीनों को करेंगे, चाहे हमने कल किया या नहीं किया, फटाफट से ज़रा आई पी लिख के बताओ, आई प्रॉमिस, डू इट फास्ट। बिना प्रॉमिस के तुम लोग करते नहीं हो, राइट। अब ये गलत प्रॉमिस हुआ ना शिशिर, घूसे से मारूंगा बहुत। करो बेटा मेहनत करो, पढ़ो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार। चलो फाइन, आई ट्रस्ट यू, राइट, आई फुली ट्रस्ट ऑल माई चिल्ड्रन, ठीक है, दैट्स फाइन, लेट्स प्रोसीड एट। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डेरिवेशन पूछेंगे इसके चांसेस बहुत कम है, राइट, आपसे डेरिवेशन पूछी जाएगी इसके चांसेस बहुत कम है, ओके। बट हाँ, ये फॉर्मूले तुम्हें 100% से ज़्यादा मैं बता दूँ कि तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे, राइट, यू शुड बी वेरी क्लियर दैट ये तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले याद रखने की तरकीब मैंने कल बताई थी, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब कोई भी तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या इन तीनों में से कुछ भी है, कुछ भी है, तुम्हारा फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा, एक्स इंटू जो भी एक्सप्रेशन है, एक्स इंटू जो भी एक्सप्रेशन है, एक्स इंटू जो भी एक्सप्रेशन है, और साथ में हाफ, ठीक। पहला टर्म ध्यान रहेगा, बहुत ईजी है ना, एक्स इंटू जो भी एक्सप्रेशन है डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर। सेकेंड हाफ में क्या करना है, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, अगर ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, राइट। और बाकी की चीज़ तो बस वही है जो तुम जानते हो, क्या वही वाली चीज, अगर ये डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता मेरे बच्चों, तो ये क्या होता, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता ना, तो बस वही चीज़ आएगी, बस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं आने वाला, जिसमें तुम्हारे यहाँ पे जिसमें तुम्हारे पास 1/2a भी आता था, वो यहाँ पे 1/2a वगैरह नहीं आएगा, बस ये एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। दिस थिंग विल कम एज इट इज, राइट, एग्जैक्टली सेम वैल्यू जो मेरे पास डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में थी, वो लास्ट सिक्स फॉर्म्स में थी, वही चीज़ यहाँ पे रेप्लीकेट हो जाएगी। ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन इनवर्स एक्स बाई आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ऊपर चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड टर्म में लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, दिस टर्म इज देयर, अगेन द सेम थिंग वुड कम। तो ये तुम्हें ध्यान तो रखना ही है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि ये चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इट्स टाइम देन वी दैट वी शुड मूव ऑन टू क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चंस मूव करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन अभी समृद्धि ने पूछा था, पहले मैं इसका क्वेश्चन ही लेना चाहूंगा, एक्सरसाइज 9.29। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी टेक अप द बुक। टू पॉइंट क्वेश्चन मैंने कुछ पिक किए थे, एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज है बेटा, तो एक्सरसाइज, ओके एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तो मेरे पास है, आई हैव इट ऑन द स्क्रीन, एक्सरसाइज 2.9। क्वेश्चन नंबर बोलना बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, आई थिंक दिस इज द वन यू आर आस्किंग, इज इट द वन, यस सर, ऑलराइट। मैंने इसको मार्क किया है, मैं इसको अभी से 15 मिनट के बाद डिस्कस करना चाहूंगा, पहले 19.28 के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट, और उसमें जब थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल हो जाएं फिर इस पे आएंगे, ठीक है बेटा। तो 15 मिनट्स इन टुडेज क्लास इटसेल्फ, राइट,
पहले 2-8 के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज वो इसी पे डिपेंडेंट है बेटा। अगर आप इनमें कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप उसको कैसे समझेंगे। तो आइए पहले 2-8 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं एंड देन विल सर्टेनली डू दैट। देखो रैंडमली कुछ क्वेश्चन पिक करता हूँ, अगर कोई तुम्हारी चॉइस है तुम बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम टेकिंग अप 6, आई एम टेकिंग अप 8, दो क्वेश्चन मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ। अब ई रेज पार एक्स है, अंदर मुझे ई रेज पार 2x दिख रहा है। मैं विदाउट एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की शुरुआत करूँगा ई रेज टू दी पार एक्स को वाई एज्यूम करके। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ई रेज टू दी पार एक्स आ जाएगी, या फिर मैं कहूँ ई रेज पार एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर मैं क्या रखने जा रहा हूँ, डी वाई रखने जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो इंटीग्रैंड है ये कितना हो गया, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना बन गया बेटा, दैट इज डी वाई। और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मेरे पास आ रही है ये कितने होने जा रहा है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वन। वाई स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे क्या है, ये डी वाई है, ठीक है। अब क्या ये कुछ रिकग्नाइज फॉर्म लग रहा है तुम्हें, लगना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दैट। कौन सा फॉर्म है ये, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। वॉट वॉज द आंसर, क्या बताया था, एक्स इंटू अंडर रूट जो भी एक्सप्रेशन है एज इट इज, ध्यान से सुनना राइट, डिवाइडेड बाई टू, फिर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर बाई टू, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्म था, लॉग वाला फॉर्म था। व्हाट इज गोइंग टू बी दैट, दैट वुड बी ए लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें ध्यान में आनी शुरू हुई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो इसमें तो अब कुछ रह नहीं गया बेटा, वाई में एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है तो मैं इसमें एज इट इज एग्जैक्टली लिख दूंगा सब कुछ, बस वाई में रखूंगा, इसका ध्यान रखूंगा मैं राइट। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एंड ए स्क्वायर तो यहाँ पे वन है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं वन बाई टू सिर्फ लिख देता हूँ, लॉग ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। वाई को मैं किससे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, ई की पावर एक्स से, ठीक है। सो आई होप यू कैन डू दैट, हो जाएगा ना राइट, इफ येस जस्ट टाइप येस। सिक्स क्वेश्चन अगर समझ में आ गया एंड यू कैन रिप्लेस वाई विद ई रेज पावर एक्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइप एक्स क्विकली, जस्ट टाइप येस, डू इट फास्ट, जल्दी करो, बढ़िया बढ़िया चीजें डिस्कस करने को हैं। नो भी है एक, अच्छा नो क्यों भाई, मतलब ई रेज पावर एक्स से रिप्लेस नहीं कर पाओगे या समझ में नहीं आया। चलो एक बार फिर से बेसिक्स बता देता हूँ, जिनको समझ में आ गया आई थिंक दे शुड क्विकली प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8 राइट। देखो बच्चों इसमें तुम्हें सबसे पहले ये समझना है कि वो जो तुमने तीन फॉर्मूले अभी किए हैं वो ध्यान से, अच्छा हो गया था, अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बता दो हो गया, चलो डेट्स ओके भाई, जिसने नो लिखा था उसका हो गया था। तो आओ 8th क्वेश्चन करता हूँ जल्दी से राइट, ईजी है बेटा, मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स तुम्हारे पूरे सिलेबस का सबसे आसान सब्जेक्ट है राइट, सिर्फ तुम्हें सही तरीके से सही चीज को पढ़ना है, दैट इज ऑल। आओ देखो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास आई दे रखा है दैट इज ऑफ द फॉर्म 16x2। तो आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको इसमें से 16 बाहर ले गया, मैं 16 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको इससे कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ये वाली बात तो मुझे आप में से कोई भी बता देगा, क्यों किया, ताकि मुझे ये वाला फॉर्म मिल जाए, दैट्स ऑल। और जैसे ये फॉर्म मिल गया फिर तो पता ही है क्या, x इंटू जो भी एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और क्या है बेटा, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी एक्सप्रेशन था, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर बहुत क्लियरली आप सभी को पता लग जाना चाहिए, कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर, इसको तुम 25/16 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/4 का स्क्वायर लिख लो, वैसे कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास 25/16 इंटू टू करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 32, 16 2 32, एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25/16 प्लस सी, ठीक है, दैट वुड बी प्लस सी।
हाँ, इसको जनरली आप देखेंगे इन सबको सिंपलीफाई करके लिखते हैं, तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा सिंपलीफाई कर लेना चाहिए। लाइक यू शुड बी इन दी हैबिट ऑफ डूइंग ऑल द सिंपलीफिकेशन। देखो सिंपलीफिकेशन भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये 4 हो जाएगा, यानी ये वाली चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपलीफिकेशन भी सीखते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन में, सिंपलीफिकेशन किस लेवल पे जाके हमें रुकना चाहिए, वी मस्ट लर्न दैट। तो आइए देखते हैं, यहाँ मैंने 4 बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे मैं ये 16 को ओवरऑल एलसीएम लेता हूँ, तो देखो कितना आ गया। ये x/2 तो इधर ही है, ब्रैक अंडर रूट के अंदर क्या है बस उसको थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। ये हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 16x² + 25। बिकॉज जनरली आप देखेंगे आंसर सिंप्लीफाइड हमेशा होता है, तो ये हैबिट हमारे अंदर भी होनी चाहिए, ज़रूर से होनी चाहिए, राइट। बिकॉज एग्जामिनर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के 1 मार्क्स, आधे मार्क्स, जो भी एज पर दी बोर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फॉलो करना होता है, राइट। तो अगर तुमने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया तो मार्क्स कटते हैं बेटा, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 25/32, और यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो एज इट इज एक्स है मेरे पास। और यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है, देखो थोड़ा सा बड़ा अंडर रूट ले लेते हैं, बिकॉज ये नीचे हमारे पास लंबे टर्म्स हैं। तो दैट इज 16x² + 25, और ये वाली चीज 16 हो रही है, ठीक है। अगर हम चाहें तो ये जो 16 है दोनों जगह पे, इसको मैं अंडर रूट के बाहर लेकर के क्या ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको भी चाहूँ तो इसको भी अंडर रूट के बाहर लेकर के 4 ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट हो गया बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रैकेट ये 4 वाला यहाँ पे लगाते हैं, और आइए इसको देखते हैं फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे। देखो आंसर क्या लिखोगे तुम, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास आ गया क्या, x/2 अंडर रूट ऑफ 16x² + 25। इधर तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 25 और ये 8 आ जाना चाहिए। लॉग ऑफ 4 तुम एलसीएम लोगे, कितना आएगा बेटा, 4x + अंडर रूट ऑफ 16x² + 25 + 3। आपके माइंड में शायद ये चल रहा होगा कि सर आपने 4 एलसीएम तो लिया तो ये 4x तो हो गया, बट ये 4 का गायब कर दिया। तो बेटा आपको पता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, एंड दिस टाइम लॉग ऑफ बी विच इज लॉग ऑफ 4 विल बी एडजस्टेड विद व्हाट, सी। सो यू विल ऑलवेज लीव द आंसर इन दिस फॉर्म, राइट, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, ओके। इफ दैट इज अंडरस्टूड कैन यू प्लीज शो मी योर हैंड्स अप। मैं एक बार आंसर भी मैच कर लेता हूँ, 8 का इस तो ठीक ही होगा, बट फिर भी देखना सही रहता है, काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर है, किधर है 8 ये रहा। तो 25 कंट्रोल दिया, कलर चेंज किया जाए, ओके। तो क्या दे रहे हैं ये दे रहे हैं 2x। इन्होंने क्या किया, ये 4 कॉमन ही रखा है इधर, ठीक है, तभी ये 2x आएगा। तो इन्होंने कुछ खास नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली हमारा सिंप्लीफाइड है। आई वुड सजेस्ट कि ये जो आपने फॉर्म डेवलप किया है, दिस इज़ अ बेटर स्टेज टू लीव द क्वेश्चन, राइट। इफ यू लीव इट एट दिस स्टेज इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट देन यू लीव अ स्कोप फॉर मार्क्स डिडक्शन। तो आई वुड सजेस्ट जिस फॉर्म में एक्सप्रेशन है उसी फॉर्म में अगर तुम उसे छोड़ रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। कहने का मतलब फॉर्म तुम्हारे पास, अगर तुम NCERT भी देखोगे या तुम CBSE का सैम्पल पेपर चेक करोगे, तो इन चीज़ों को तुम बहुत ध्यान से देखना। अगर वहाँ पे उन्होंने 16x² + 25 लिखा है, तो अगर यही फॉर्म आप रिक्रिएट कर पाते हैं, राइट, तो इट इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड ऑलवेज लीव एट। तो जो आंसर दे रखा है बुक में उससे बेटर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। सो यू शुड गो फॉर दिस, ऑल राइट, आई प्रोसीड अहेड। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर समृद्धि के क्वेश्चन पे चलेंगे, और उस क्वेश्चन की हेल्प से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आपका कवर हो जाएगा 9.29 का, वो भी बहुत ईजी है, जैसे ये है वैसे वो है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन नहीं है। आओ एक क्वेश्चन 14 कर लें, है ना, और एक और क्वेश्चन 12 भी कर लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन और मैं यहाँ से पिक करता हूँ, राइट, और आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि क्लास के बाद आप इन दोनों एक्सरसाइज को बहुत ईमानदारी से करेंगे, बिल्कुल आसान है बेटा, देख रहे हो कितना एफर्टलेसली हो रहा है, सिर्फ वो 3 फॉर्मूले ध्यान से अप्लाई करने हैं, दैट इज ऑल, राइट। आइए देखिए, अब 12th क्वेश्चन जब मैं करना शुरू करता हूँ, यहाँ x^4 दिख रही है और यहाँ पे x दिख रहा है, तो हमने तो सब्सिट्यूशन पहले ही कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी डन सब्सिट्यूशन, और वहाँ से हमें ये हिंट मिल रहा है क्या, कि x² को ले लो y, y ले लो, t ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है, x² को ले लो क्या, y। इससे क्या हो गया, हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स मैं x dx को
किससे रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा, डी वाई बाई टू से, ठीक है। तो ये एक्स डी एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या रखने जा रहा हूँ, डी वाई ओवर टू। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो वट इज द आंसर फॉर दिस, दिस वुड बी वाई स्क्वायर प्लस वन एंड दैट वुड बी डी वाई ओवर टू। ओवर टू और इन टू टू इज नेवर अ प्रॉब्लम, राइट। ये कौन सा फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। क्या मैं सीधा ही आंसर लिख दूं, ये वन बाई टू को बाहर रखूंगा और एज इट इज जैसे आंसर लिखते हैं वैसे लिखते हैं। क्या बताया था, एक्सप्रेशन वाई इन टू द एक्सप्रेशन दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ए स्क्वायर प्लस है तो ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू कितना होगा, लॉग ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस। अब सिर्फ क्या करना है तुम्हें, तुम्हें इन सारे y के जगह पे x स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, दैट इज ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको रखने में बहुत परेशानी नहीं आने जा रही है, राइट। इसको क्या रखोगे बेटा, x की पावर 4, इसको क्या रखोगे बच्चों, x स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा बच्चों, x रेज की पावर 4। ये 1/2 अगर तुम चाहो तो यहाँ पे पूरा 1/2 × 1/2 इन सबको कम्प्लीटली कॉमन लेकर के बाहर तुम 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज भी करना है, दैट इज ऑल। कैन यू टाइप इजी, इफ यू फाइंड इट इजी जस्ट टाइप इजी, दैट विल इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस, डू इट फास्ट, जल्दी जरा इजी लिख के बताओ, इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। दिखने में मुश्किल है बट इजी है, थोड़ी सी चीजें बस ध्यान रखनी है एंड देन इट इज ऑल हलवा, राइट, इट्स अ केक वॉक, वंडरफुल। देखो 14th क्वेश्चन मैं सिर्फ तुम्हें हिंट देने जा रहा हूँ बिकॉज आप सबको अब समझ में आ चुका है कि बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत ईजी है, यहाँ पे भी क्या करोगे, लॉग एक्स को वाई मान के स्टार्ट करोगे। जैसे तुमने लॉग एक्स को वाई लिया बेटा तो तुम्हें ये समझ में आता है कि डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1/x, ठीक है। तो अब इस dx को राइट साइड पे ले जाओ तो कितना हो गया, dx बाई एक्स किसको रिप्लेस करने जा रहे हो, dy से। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास कितना बढ़िया बन गया, देखो दिस इज नथिंग बट 4² प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, फिनिश, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बचे, ऑलमोस्ट 14 थे जिसमें से शायद 4-5 तो निपट गए और उसके बाद जो बच गए वो तुम्हारे लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करना, डाउट आए आई एम ऑलवेज देयर, आप बताइए, पहले आपके डाउट डिस्कस होते तभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 19.29। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, राइट, और कोई टेंशन नहीं आने जा रही। पहले थोड़ा सा इस पर मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा और उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन समृद्धि का क्वेश्चन ही टिक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसमें हम अंडरस्टैंड डेवलप करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, तुम्हें ध्यान होगा कि तुमने कुछ इस टाइप के फॉर्म्स किए थे, पी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। इस तरह के फॉर्म्स तुमने किए थे और इसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, हम लोग जो न्यूमरेटर था उसको हम लोग करते थे लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर विच वॉज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी प्लस म्यू, दैट इज वॉट वी वर डूइंग, ध्यान आ रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने किया था, अब क्या ये अंडर रूट उठ के ऊपर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कई फर्क पड़ जाएगा, शुरू तो वैसे ही करेंगे जैसे वहां किया था, बिल्कुल डिट्टो वही काम करेंगे, ठीक है। ये लैम्डा म्यू ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो इसको ए और बी कर लेता हूँ, ठीक है। ए और बी करने के लिए कोई मार्क्स नहीं काट सकता तुम्हारे, बाकी तुम्हारी मर्जी है, इफ यू लाइक लैम्डा एंड म्यू यू कैन यूज, आई डोंट माइंड दैट। मुझे ए और बी ज्यादा अच्छे लगते हैं, दे आर मोर यू नो डिसेंट, ओके, सो आई यूज ए एंड बी। चलो देखो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, स्ट्रेट अवे कमिंग टू समृद्धि डाउट, राइट, दैट वुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड द डाउट वुड ऑलवेज बी क्लियर। चलो देखो, तो यहाँ पे ये 3x प्लस 1 है, तो मैं इसको कुछ उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा, ठीक है। ये 3x प्लस 1 है, इसको मैं क्या लिखना चाहूँगा, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द थिंग विच इज इनसाइड द अंडर रूट। तो माइनस 4 का तो 0 हो गया बेटा, और ये आ गया माइनस 3, बिल्कुल सीक्वेंस में मूव कर रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर यू आर अंडरस्टैंड दैट। और ये आ गया कितना मेरे बच्चे, 4x, और साथ में क्या करना है मैंने, प्लस 3, बस
ए और बी की वैल्यू चाहिए, कैसे, कोफिशिएंट कंपेयर करके। तो पहले एक्स का देख लो, एक्स के साथ क्या है मेरे पास, एक्स के साथ मुझे दिख रहा है माइनस फोर ए, और कांस्टेंट क्या दिख रहा है बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू दिख रही है बी माइनस थ्री टाइम्स ए, दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल। अब बताओ थ्री इज इक्वल टू क्या माइनस फोर ए लिखोगे, हाँ, तो क्या ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर नहीं हो गई, हाँ आया ना, बिल्कुल हाँ। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b माइनस थ्री टाइम्स ए इज इक्वल टू वन, अब a की वैल्यू यहाँ पे रख दो ना भाई, कितनी रखनी है तुमने, माइनस थ्री बाई फोर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया बेटा, नाइन बाई फोर इज इक्वल टू वन। जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस नाइन बाई फोर होगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हाँ लेंदी है तो वेटेज भी ज़्यादा होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेटेज भी ज़्यादा है, बट प्रोसेस वही है तुमने कर रखा है, इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, ये तुमने ए कैलकुलेट किया और बी कैलकुलेट किया, ठीक है। ए कितना आ गया, चलो यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, सुरेड आई कैन इरेज द स्क्रीन, आपने अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भाई लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये ए और बी हमने कितना कैलकुलेट किया, बी इज माइनस फाइव बाई फोर, ठीक है। अब मैं ये कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम श्योर ए और बी में आपको कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज ऐसा आपने पहले भी कर रखा है, ठीक है, चलो इरेज इट, ओके, लेट अस डू इट कम्प्लीटली, आइए ये कम्प्लीट, बिकॉज पहला क्वेश्चन है तो फॉर श्योर ऐसे एक दो क्वेश्चन तो मैं कम्प्लीटली, जब भी कोई नए टॉपिक करते हैं तो कम्प्लीट सोल्यूशन मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, अब इस 3x प्लस 1 को हमने क्या लिखा था, माई a टाइम्स a कितना है बेटा, माइनस 3 बाई 4, डिफरेंशिएशन ऑफ वट एवर वॉज देयर, डिफरेंशिएशन कितनी आ गई थी मेरे पास, मेरे पास आई थी माइनस 3 माइनस 4x, ठीक है, प्लस b, प्लस b, और b मेरे पास कितना है, माइनस 5 बाई 4, ये पूरी चीज़ मेरे पास कितनी है, 3x प्लस 1 है, दिस इंटायर थिंग इज व्हाट, दिस 3x प्लस 1, तो वी कैनॉट चेंज द एक्सप्रेशन, वी कैन रीराइट इट इन अ सूटेबल फॉर्म, और यू कैन से इन अ मोर सूटेबल फॉर्म वेयर इट इज ईजियर टू इंटीग्रेट, ओके, तो वी आर वी कैन जस्ट रीराइट इट, वी कैनॉट चेंज द एक्सप्रेशन, ठीक है, जो था वही रहेगा। तो हमने इस तरीके से लिखा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना तुम्हें बहुत ईजिली अब समझ में आएगा। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखो कितना आ गया, ये माइनस थ्री बाई फोर कॉन्स्टेंट है, तो मैं कॉन्स्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन टाइम के बाहर रखना प्रेफर करता हूँ, अंदर भी रखते तो कुछ गलत नहीं है, बट हाँ इट इज एडवाइजेबल कि आप बाहर रखें, अननेसेसरी बिकॉज कॉन्स्टेंट को इंडिकेट करने का मतलब तो बनता नहीं, ठीक है, अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट होता तो ठीक है, तो उस केस में डीएस की वैल्यू एक्स आती है, बट यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट कुछ और भी है ना, तो वी कैन कीप इट आउटसाइड। और ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया माइनस थ्री माइनस फोर एक्स, साथ में क्या रहा बच्चे, ये मैंने इसको इस ब्रैकेट को अभी ओपन किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो फोर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, और नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला, ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला बेटा, माइनस फाइव बाई फोर, माइनस फाइव बाई फोर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एंटायरली द सेम थिंग, कलर चेंज कर देता हूँ बिकॉज अभी वाइट पे ओवरलैप हो जाएगा तो वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, सो दैट वुड बी टू एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब ये वाली चीज़ तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए कि इस तरह केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको टी लिया करते थे, राइट, इससे क्या होता, हमने टी लेते थे और इससे क्या होता था, ये दिस एक्सप्रेशन इंटू डी एक्स, किससे रिप्लेस होता था, डी टी से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो आती है, चलो मैं कर देता हूँ, राइट, आई डू इट फॉर यू, ये वाली चीज़ जो आती है ये कितनी आ जाती है, ये आ जाती है तुम्हारे पास टी रेस टू द पावर वन बाई टू इंटू डी टी, तुमने क्या किया, तुमने इसको टी लिया है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी है, तो दिस इंटू डी एक्स, उसकी जगह पे क्या आ गया, डी टी, और ये कितना बन गया, टी की पावर वन बाई टू, ठीक है। और ये जो टर्म आपके पास रह गया, इस पर फोकस कीजिए, ये वाला टर्म तो आपने अभी अभी सीखा है, कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, ये क्या है भाई, दिस इज फोर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, एक्स का कोफिशियंट वन बनाना होता है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें फोर को तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आ गया पहले तो थ्री बाई टू एक्स, और ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, ये बात शायद तुम्हें ध्यान ही होगी, क्या करने जा रहे हैं, इसका हम कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलो ये वाला आंसर लिख दूं पहले, ये कितना हो जाएगा बेटा, थ्री बाई फोर टी रेस टू द पावर वन बाई टू प्लस वन, यानी कि टी रेस पावर थ्री बाई टू, तो मैं टी की जगह पे फिर से ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आसानी से रख सकता हूँ,
without any problem. Raised to the power what? 3 by 2. Divided by what, bachon? 3 by 2. 3 by 2. तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज भी यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ सिर्फ कितना रह गया माइनस 1 बाई 2 रह गया, और ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बच गया दैट इज 5 बाई 4, आई वुड ट्राई एंड मेक अ परफेक्ट स्क्वायर हेयर सो दैट वी कैन यूज वन ऑफ द 3 फॉर्म्स. ओके, तो आइए देखते हैं क्या बन सकता है, लेट अस सी. तो ये तो बना एक्स स्क्वायर, अब जो भी है उसको तो चेंज करते नहीं है ना कभी भी, हम लोग बस रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन री राइट इट. तो ये बनता है मेरे पास 2ab. अच्छा, अब देखो b क्या बनेगा, सुरेट आई कैन गेट 3 बाई 2, तो ये मुझे समझ में आता है b बनेगा 3 बाई 4, और अब जैसे ही b बन गया उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्या करना है 3 बाई 4 का होल स्क्वायर. कलर चेंज कर दूं क्या, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है ना, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, आई होप इट्स बेटर विजिबल. या अभी चलो नेक्स्ट पेज पे ले चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, विल टेक इट टू द नेक्स्ट पेज. बस ये कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, है ना, देख लेते हैं कितना आ रहा है. तो 3 बाई 4 मैंने ऐड किया, तो ऑब्वियसली बात है 3 बाई 4 मैं सब्सट्रैक्ट भी करूँगा, ठीक है बच्चे, 3 बाई 4 मैं सब्सट्रैक्ट भी करूँगा, और ये इंटीग्रेशन साइन तो हम हटा नहीं सकते ना, दैट हैज टू बी देयर. ठीक है बच्चों, अब आइए इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं कि रेज करने की बजाय. तो लेंथी है नो डाउट, 4-6 मार्क्स में आता है, लेंथी तो है ही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मुश्किल नहीं है, राइट, बस थोड़ा सा प्रोसीजरल है, थोड़ा प्रोसीजर फॉलो करोगे तो कोई टेंशन नहीं है. और देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं, कोई और खाली पेज हो तो अच्छा रहेगा, खाली पेज नहीं है क्या, हाँ है ना, आई हैव अ ब्लैंक स्क्रीन, एक खाली पेज तो नहीं है मेरे पास, आई जस्ट हैव अ ब्लैंक स्क्रीन. ओके, सो लेट्स सी कितना आ रहा है, दिस इज -1/2 एंड दैट इज 4 - 3x -2x² रेज टू द पावर 3/2. ये माइनस था प्लस कैसे हो गया, ये तो -5/4 दिखा था मुझे, ये तो -5/4 था ना, ये माइनस था ना, ये माइनस का मैंने प्लस कैसे कर दिया यार, तुम लोग बताते भी नहीं, माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, बीच में तो -5/4 आई थी, है ना, ये माइनस ही रहेगा. प्लीज़ बी केयरफुल, राइट, प्लीज़ बी केयरफुल. सो दिस इज -5/4 एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ. अब हमने क्या करना है, हमने एक्स कोएफिशिएंट को हमेशा 1 रखना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस जगह से मैं ये 2 भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, 2 जब मैं बाहर ले जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5√2, बिकॉज अंडर रूट के बाहर जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ रह जाएगा 2, और यहाँ मेरे पास अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, ध्यान से देख लो भाई, ये आ गया x² + 2ab, और साथ में तुम्हारे पास 3/4 का होल स्क्वायर तुमने ऐड किया, और 3/4 का होल स्क्वायर तुमने सब्ट्रैक्ट किया, यानी 9/16 एक्चुअली में तुमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है. तो हालांकि मैं यहीं पे लिख भी सकता था, बट चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. तो मैंने ये 2 देखो बाहर ले गया, राइट, ये 2 को मैं बाहर ले गया हूँ, तो समझने की बात ये है, जब मैं 2 को बाहर ले गया तो अब ये वाली चीज़, राइट, ये जो अभी ब्रैकेट के अंदर माइनस है, जब ये ब्रैकेट के बाहर लेके आऊँगा तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दैट विल बी टेकन इन टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है. तो नो डाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ तुम्हें अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है. आई होप सैम इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट, राइट, ऑल क्रेडिट टू हर दैट शी हैज़ आस्क्ड दैट क्वेश्चन एंड दैट वी आर डूइंग इट. सो क्रेडिट टू सैम, राइट, दैट इज -1/2 एंड दैट वुड बी -5√2/4, और इस फॉर्म को आओ, चलो यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जा रहा है. तो ये देखो 16 और 2 कितना हो गया, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 + 9 कितना होता है यार, 41 होता है शायद, तो 41/16 आ रहा है, ठीक है. तो मैं इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए अंडर रूट 41/4 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना, आई होप यू आर ओके विद दैट. और ये वाली चीज़ हो गई तुम्हारे पास x + 3/4 का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज ऑल डन. ये कौन सा फॉर्म है, a² - x² का फॉर्म है, a² - x² का फॉर्म है, और ये चीज़ तो आपने डील की है ना बेटा. आंसर देख के ना बड़ी घबराहट सी होती है, क्यों, बड़े लंबे लंबे एक्सप्रेशन होते हैं, बट तुम्हें पता है सॉल्व करते हुए इतनी घबराहट नहीं होती है, सिर्फ तुमने अगर ऐसे 10 क्वेश्चन कर डाले ना, दैट इज ऑल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, उसके बाद तुम 15-20 क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे, है ना, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कम से कम 25-30 क्वेश्चन कर लेना,
ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, इसको क्या लिखते हो हम लोग, x इंटू द इंटायर एक्सप्रेशन, ठीक है। और x क्या है, x यहाँ पे हमारा कितना है, x प्लस थ्री बाई फोर है x, ठीक है। x की जगह मेरे पास कितना है, x प्लस थ्री बाई फोर है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। इंटू द इंटायर एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये हो गया आपके पास 41 बाई फोर, अंडर रूट 41 बाई फोर, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन आप चाहो तो, बिकॉज एट दी एंड आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, मैंने हमेशा ये बताया कि जिस फॉर्म में एक्सप्रेशन क्वेश्चन में है उसी फॉर्म में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन इसमें काफ़ी है, राइट, अलजेब्राइक काम इसमें काफ़ी है, बट कोई टेंशन नहीं है। तो x इंटू दिस और डिवाइडेड बाई कितना था, 2, बट ये ध्यान देखो x यहाँ पे वो वाला x है जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अगर ये एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ x था, बट अगर यहाँ पे x प्लस थ्री बाई फोर है तो यहाँ पे x प्लस थ्री बाई फोर लिखना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दिस इज वन प्लेस वेयर इवन द गुड चिल्ड्रन गो रॉन्ग, ठीक है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। और उसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होता था हमारा, ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, दैट इज 41 बाई 16, तो बाई टू करूँगा तो कितना हो जाएगा, 41 बाई 32। एंड देन ये कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्म था ये, साइन इनवर्स, तो दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस थ्री बाई फोर ओवर अंडर रूट 41 ओवर 4, ठीक है। 4 कैंसिल हो जाएगा। सैम समझ में आया बेटा, इज इट ओके, लेंदी है बट देन ऐसा ही है, ट्वाइस नहीं है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आंसर था, आई डोंट नो, क्वेश्चन नंबर शायद 13 था, राइट। थोड़ा अभी सिंप्लीफिकेशन रह गई है, आई लिव इट टू यू नाउ, राइट। सिंप्लीफिकेशन मैं बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने करके दिया, यहाँ पे बस सिंप्लीफिकेशन कर लेना, है ना। देखोगे तो हमेशा आंसर फाइनल फॉर्म जो होता है ना, वो जिस फॉर्म में दिया होता है फाइनली उसी फॉर्म में वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये 2/9 हमारा, ये 9 क्यों मिस हो रहा है, हमने कुछ मिस किया क्या, देख लेना एक बार, राइट। क्वेश्चन 13 है, अच्छा 13 है, अच्छा 13 है, हाँ तो ठीक है, राइट। वही मुझे लगा यार ऐसे कैसे, यार इतनी मेहनत से सारे क्वेश्चन किए उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। और फिर इन्होंने रूट टू को अल्टीमेटली फिर अंदर ले गए, ध्यान से देख लो, इस रूट टू को ये फिर से अंदर ले गए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप भी ऐसा कर सकते हो, नो टेंशन, ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो एग्जैक्टली यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज रिक्रिएट हो रही है, 4x/3 एंड 41 एग्जैक्टली सेम चीज आ जाएगी। इज इट ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग दैम एंड मेक श्योर दैट यू आर